लखनऊ यूपी में सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। बता दें कि 5 मार्च से 10 मार्च तक अब कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी, अत्यंत आवश्यकता पर भी छुट्टी दी जाएगी। वही कार्यवाहक डीजीपी ने ये आदेश जारी किया है। बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, लखनऊ यूपी में सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। आपको बता दें कि 5 मार्च से 10 मार्च तक अब कोई भी पुलिसकर्मी छुट्टी नहीं ले सकेगा, अत्यंत आवश्यकता पड़ने पर ही अब छुट्टी मिलेगी। वही कार्यवाहक बीजेपी ने यह दिशा निर्देश जारी किए। प्रयागराज से बड़े रंग पर सामने आ रहे जोमेशवार हत्याकांड में वाइस श्रेणी की सुरक्षा की मांग की गई है। आपको बता दें कि सपा विधायक पूजा पाल ने सीएम योगी से मुलाकात की है, इसके साथ ही सीएम योगी से अपने लिए वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा मांगी है। राजू पाल की हत्या के मामले के गवाहों को भी सुरक्षा देने की उन्होंने मांग की है। तो बड़ी और अंत पर प्रयागराज से आ रही है जोमेशवार हत्याकांड में वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा की मांग की गई। आपको बता दें कि सपा विधायक पूजा पाल ने सीएम योगी से मुलाकात की है, इसके साथ ही सीएम योगी से अपने लिए वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा मांगी। राजूपाल की हत्या के मामले के गवाहों को भी सुरक्षा देने की मांग की गई। खबर चित्रकूट से है, जहां जिले के पटेल उत्सव भवन में बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान बौद्ध महासम्मेलन में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, कौशाम्बी विधायक पल्लवी पटेल व मछली शहर विधायक रागिनी सोनकर के आने पर प्रशासन रोक लगा दी। भगवान को मानने वाले लोग हैं और भगवान गौतम बुद्ध का पंचशील का एक सिद्धांत है कि हम पंचशीलों का पालन करेंगे, दया करुणा समानता पर काम करेंगे। तो ये बुद्ध का सिद्धांत है कि अहिंसा, हम हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, हम व्यभिचार नहीं करेंगे। इस संकल्प के साथ आज ये आयोजन बौद्ध महासम्मेलन का हुआ है। हम समय में चोरी की घटनाएं। वही खबर छत्तीसगढ़ से है, जो अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा किया गया है। आपको बता दें कि 2 शातिर चोर सहित 2 खरीदार गिरफ्तार किए गए। इसके साथ ही ये लोग दिन में रेकी कर सोने मकानों को निशाना बनाते थे। आरोपियों के कब्जे से 14 लाख के सोने चांदी की जेवर, 4,13,430 रुपए नकदी जब्त की गई है। इसके साथ ही प्रेस वार्ता कर जांजगीर एसपी ने यह खुलासा किया है। के समय में चोरी की घटनाएं हो रही थी और उन्हीं घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में जांजगीर पुलिस द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया था और इस टीम द्वारा 6 नकबजन पकड़े गए हैं, साथ में 2 ज्वेलरी शॉप चलाने वाले भी पकड़े गए हैं। इनके पास से लगभग 24 लाख रुपए का सोना चांदी, कैश और मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। इनके पास से वो घातक हथियार भी पकड़े गए हैं जिससे ये तोड़ते थे और ताले को काटते थे। और इस पूरे घटनाक्रम में एसडीओपी जांजगीर के नेतृत्व में कार्रवाई की गई थी। ये चोर गिरोह जो है वो मूलतः कोरबा क्षेत्र का रहने वाला है। ये स्पीड बाइक में घूमते थे और घूम के अलग अलग जगहों पे जहाँ पे ताले बंद रहते थे उन घरों की रेकी करके पहले से चिन्हित कर लेते थे और उन जगहों पर जाकर फिर जब सुनसान रहता था तो घटना करके तुरंत भाग जाते थे। भागने के बाद उसमें से कुछ रकम मिलता था उसका शराब पीते थे, जो सोना चांदी मिलता था उसको ज्वेलरी शॉप वाले को देते थे और ये घटना के तुरंत बाद लोकेशन छोड़ देते थे। तो इसकी वजह से पुलिस टीम को काफी दिक्कतें हुई, लेकिन फिर भी टीम लगातार। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि खबर लखनऊ से, जो अहिंसा दल पालची के द्वारा सामूहिक विवाह काकोड़ी क्षेत्र के बेहटा चौराहे के पास संपन्न कराया गया। इस सामूहिक विवाह में 25 जोड़ों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाकर एक दूसरे के बंधन में बंधे। इस मौके पर पालची के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि लखनऊ से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में अहिंसा दल पालची लगातार विवाह कराने का कार्य करती रहती है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। ईश्वर की महान कृपा जो ऐसा कार्य करने का मुझे सौभाग्य उन्होंने दिया है। मैं एक निमित्त मात्र हूँ और ईश्वर की कृपा से ये कार्यक्रम संपन्न होते हैं। हमारे कार्यकर्ता भी रात दिन मेहनत करते हैं, तब जाकर के घर घर जाकर के उनको प्रेरित करते हैं कि आप ऐसे कार्यक्रम में आइए, विवाह समारोह में आकर के बच्चों का विवाह संपन्न कराइए, जिससे आप
कर्ज से मुक्ति पाएंगे और अपने फर्ज से मुक्ति पा जाएंगे। इसलिए जहेज रूपी क्रूर दानों के दमन के लिए निरंतर यह समूह युवा चलते रहते हैं। ईश्वर की कृपा से चलता आया और जब तक उनकी मर्जी होगी तब तक चलता है। सामूहिक विवाह समारोह में 25 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसमें 2 बच्चों के यहाँ कोई मुद्दा आ गए हैं जिसके कारण वो लोग उपस्थित नहीं हुए हैं। वो 17 जून को जो कार्यक्रम होगा उसमें वो लोग सम्मिलित होंगे। आप 23 जोड़े उपस्थित हुए हैं, 23 जोड़ों का विवाह सम्पन्न। अब आप सब खबर मथुरा से है, जो अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा ने विराट एकता सम्मेलन का आयोजन नेशनल हाईवे स्थित दिल्ली दरबार होटल में किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूज्यपाद पीठाधीश्वर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा भगवान परशुराम के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर राधे राधे बाबूजी द्वारा शंकराचार्य को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान आयोजक जगदेश प्रसाद सुपानिया ने घटकों को सामाजिक सामंजस्य बनाकर अहम को त्यागने व सामाजिक हित के लिए मिलकर कार्य करने का आह्वान किया है। अब आप सब देख रहे हैं, हमारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर जिले से आदमी आया है, हरियाणा से आए हैं, दिल्ली प्रदेश से आए हैं, उज्जैन तक से आए हैं, राजस्थान से आए हैं और पंडालों देख लीजिए कितने आदमी आए हैं। तो क्या उद्देश्य है? अरे उद्देश्य का ब्राह्मण को अपमानित किया जा रहा है, इसका कारण खोज रहे हैं, हमें क्या कमी है, हम ये पूछना चाह रहे हैं अपने ही ब्राह्मणों से कि जो कोई तुमने कमी है उसको निकालना क्यों नहीं चाहते, और फिर अगर कोई अपराध करता है तो खड़ा क्यों नहीं होते, इकट्ठा क्यों नहीं होते हो, हमारा संगठन नहीं है, इसलिए लोग कुछ भी कह जाते हैं। इसलिए हमने इसको इकट्ठा करके पूछा है कि ब्राह्मण एकता कैसे बन सकती है। हमारा जो जगदीश पंडित जी ने जो पहल नामा, उन्होंने जो ब्राह्मण दर्द महसूस किया है, जो राजनीति आज हमको परेशान कर रही है, उसके लिए सब ब्राह्मणों इस राजनीति को असर किसने दिया, बधाई के पात्र है। और हम लोग निश्चित रूप से यहाँ ब्राह्मण ये समुद्र मंथन से अमृत निकाल के लिए आज ये अवसर इसीलिए इनके पास एक विचारधारा ये जो अर्थ है ना, और जगदीश इसके अर्जन में दुख है, अगर अपने पास आ जाए तो उसके रक्षण में दुख है, आय में दुख व्यय में दुख, आजकल के छापे के छापे धनवानों के पास पड़ रहे हैं, इतना परेशान है व्यक्ति एकत्रित करते एक विचारधारा को ऐसे कुछ दिन से बहुत धनी बनने की जो विचार कर रहा था देखते देखते देखते। खबर जनपद बलिया से है, जब मनियर पुलिस से प्रयास से लगभग 15 वर्ष पूर्व लापता युवक थाने पर अपने परिजनों से मिला है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि युवक लावारिस हालत में मिला था, जिसके बाद उसे थाने लाया गया और परिजनों के सुपुर्द किया गया है। खबर मध्य प्रदेश के गुना से है, जहां जिला चिकित्सालय में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। निशुल्क शिविर में एम्स भोपाल के प्रमुख विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा विभिन्न मरीजों की जांच एवं उपचार किया गया, जिसमें मुख्य रूप से नेत्र रोग, हृदय रोग, न्यूरोलॉजी, हड्डी रोग, शिशु रोग, दंत रोग, श्वसन रोग, प्रसूति रोग एवं आयुष के मरीजों की जांच एवं उपचार किया गया। अभी आपकी दवाई चल रही है, अभी दिखा दी कार्रवाई की जा रही है। खबर महोबा से है, जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित डंपर ने स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान हादसे में स्कूटी सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना से मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। कार्रवाई की जा रही है, क्या हो रहा है? देखिए, ये कल रात शाम के 5:30 बजे की घटना है, अत्यंत ही हृदय विदारक बहुत ही दुखद घटना, जिसके अंदर एक 70 वर्षीय बुजुर्ग
अपने नाती को लेकर निकले ही थे घर से स्कूटी पर सवार होकर कि सामने से एक डंपर आ गया जिसने उनको टक्कर मारी, उनकी मौके पर ही मौत हो गई व उनका जो नाती सात्विक उसकी भी मौत हो गई है। अत्यंत ही विदारक घटना हुई है। इसके बारे में त्वरित कार्रवाई करते हुए उस डंपर को सीज किया गया है, उसके ड्राइवर को पकड़ लिया गया है। जो पाक तहरीर है उसके अनुसार धाराओं में FIR पंजीकृत की गई है, किंतु यह इतना ज्यादा हृदय विदारक था कि इसके अंदर वह कुछ वीडियोस भी आए हैं जिसमें वह घसीटा चला गया था इस स्कूटी को। इसके आधार पर इसमें 304 की वृद्धि की जा रही है और इसके ऊपर कठोरतम कानूनी कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। खबर बांदा से है जहां गाटके बहुजन सेवा समिति ने राष्ट्रसंत गाटके बाबा के 147वें जन्मोत्सव को बड़े धूमधाम के साथ मनाया है। इस मौके पर गाटके बहुजन सेवा समिति व बहुजन सेवा संघ व भारतीय बौद्ध महासभा संघ मित्रा बौद्ध बिहार और तमाम सेवा समिति की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रशासनिक अधिकारी न्यायालय सेवानिवृत्त वरुवा आरपी चौधरी प्रबंधक संघ मित्रा बौद्ध विहार बांदा समेत अन्य लोग मौजूद रहे। मतलब बहुजन समाज में समय काल में मानसिक के सफाई और शरीर की सफाई यानी देश की है तो सब तरह साफ सफाई शिक्षा का एक बताया करती थी। जैसे उन्होंने कहा था कि आपने बच्चे को क्यों नहीं पढ़ा पा रहे हैं, आप नहीं पढ़ाओगे घर पर पैसे नहीं है, तो उन्होंने कहा जो है हाथ में थाली दे दो और हाथ में लेकर खाना खाओ और तो कम कीमत की साड़ी तो बच्चे को ऐसे विचार रखने वाले महान संत यानी फाल्गुनी किया जो हम आज के यहाँ है शिक्षाविद कहते हैं या बहुत ही समर्थक है। खबर आगरा से जो सेफर्ड्स इंडिया इंटरनेशनल उत्तर प्रदेश के द्वारा स्वर्गीय उमेश पाल एडवोकेट की बर्बरता पूर्ण की गई हत्या के विरोध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। विधायक राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह अधिवक्ता उमेश पाल और उनके दो सुरक्षा कर्मियों पर दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया था। प्रेस वार्ता में शेफर्ड्स इंडिया इंटरनेशनल के प्रदेश महासचिव ने सरकार से हत्या के दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की। इसके साथ ही मृतक उमेश पाल के परिजनों को जेड प्लस सुरक्षा दी जाने की बात भी कही गई। आप लोगों से के सामने समक्ष अपनी बात रखना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से हमारे समाज का एक व्यक्ति उमेश पाल जी का जिस प्रकार से नरसंहार हुआ है उसके उपलक्ष्य में हम लोग एकत्रित हुए हैं और हम चाहते हैं जिन लोगों ने उनका नरसंहार किया है उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो जिससे समाज का जो आक्रोश पूरे प्रदेश में फैला हुआ है वो जल्दी शांत हो, क्योंकि इतने जबरदस्त रूप से इस समय आक्रोश फैला हुआ पूरे प्रदेश में। मैं अपना प्रदेश अध्यक्ष के नाते ये आह्वान करता हूँ कि सभी समाज के व्यक्तियों से और सभी सेफर्ड इंडिया इंटरनेशनल के पदाधिकारियों से कि किसी भी प्रकार का उपद्रव न करें और शांतिपूर्वक तरीके से अपना हर जिले में ज्ञापन दें जिससे कि आने वाले समय में इन लोगों की 24 से 48 घंटे में तुरंत गिरफ्तारी हो जिससे समाज का आक्रोश खत्म हो। हाल जो हमारे थे राजीव पाल विधायक थे उनके गवाह थे उमेश पाल, उनको दिन दहाड़े भ्रूण हत्या की गई है गवाह खत्म करने के लिए। आज हम प्रेस वार्ता या प्रेस वार्ता कर रहे हैं, इस प्रेस वार्ता के आगे DM को ज्ञापन देंगे, खुद भी नहीं सुनवाई होगी तो हम धरना खबर आगरा से जयंतला स्ट्रीट आवासीय योजना फ्लैट पीड़ितों ने ओपी चैन ग्रुप ऑफ स्टार मार्केटिंग कंपनी के खिलाफ एमजी रोड स्थित शोरूम के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही कंपनी के खिलाफ नारे भी लगाए। इस दौरान ओपी चैन के शोरूम से जिलाधिकारी कार्यालय तक लोगों ने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर पैदल मार्च किया और प्रशासन से गुहार लगाई है कि ओपी चैन ऑफ ग्रुप के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
फिलहाल की खबरों में इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।